Today we are here to discuss a very important segment which is linked with our family planning and Ramzan. आप सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी ऑलमोस्ट 23 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, जिसकी वजह से सेहत के बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं और इन्हीं मसाइल को आज इस रमज़ान के बाद बरकत महीने के अंदर डिस्कस करने के लिए हमने अपने साथ दो इंतहाई अहम शख्सियात को यहाँ पे मदी किया है, जिसमें से एक हैं डॉक्टर माला, कंसल्टेंट ऑप्स एंड गाइनी वर्किंग एज अ कंसल्टेंट इन अल्तमश हॉस्पिटल। डॉक्टर माला की खास स्पेशलिटी ये है कि वो हर तरह की सी सेक्शंस के अंदर, हर तरह की नॉर्मल डिलीवरीज के अंदर और जितनी भी एंटीनेटल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हैं, और इसके साथ साथ वो खवातीन के कुछ खास प्रॉब्लम्स जिसमें PCOs, खानदानी मनसूबाबंदी या उससे रिलेटेड मसाइल को भी डील करती हैं। हमारे पास डॉक्टर माला के साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरा इजहार, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं मुमताज जनरल हॉस्पिटल के अंदर, और यहाँ पे ये खानदानी मनसूबाबंदी के एक पूरे डिपार्टमेंट को अपने अंडर लीड करती हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आज दिया और हमारे इस टॉपिक को, जिसका नाम है खानदानी मनसूबाबंदी और रमज़ान, इसके अंदर हमारे साथ डिस्कशन का मौका दिया। आप लोगों में से अगर मैं डॉक्टर फरा से स्टार्ट करना चाहूँ, डॉक्टर फरा, आपके हिसाब से खानदानी मनसूबाबंदी के हवाले में अगर आप बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ मसला खानदानी मनसूबाबंदी के साथ क्या है? खानदानी मनसूबाबंदी के साथ फिर बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हो जाती हैं, क्योंकि आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके फैमिली की न्यूट्रिशन, आपके ग्रोथ, पूरे मुल्क की सब फैमिली प्लानिंग से ही रिलेटेड हो जाती है। बिल्कुल, तो इसको बहुत क्रिटिकली देखना चाहिए कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को बहुत अच्छे से मॉनिटर करते हुए हमें फैमिली प्लानिंग को इन करना चाहिए, अवेयर कराना चाहिए हमारे पाकिस्तानी लोगों को, खवातीन को, मर्दों को। बिल्कुल, कि खानदानी मनसूबाबंदी अगर सही वक्त पर की जाए तो माँ और बच्चे दोनों की सेहत को आप अच्छे से परवान चढ़ा कर एक खास मुकाम पर लेके जा सकते हैं। डॉक्टर माला, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि रमज़ान के इस महीने के अंदर खानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से कोई ख़ास चीज़ जो आपने डेली प्रैक्टिस में देखी हो या कोई ऐसी मिसकॉन्सेप्शन और मिथ जो कि आपको नज़र आए हों, वो क्या है? जी बिल्कुल, वैसे ही हमारे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक मुल्क है, वैसे भी बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारी चीज़ों को जब हम फैमिली प्लानिंग के डिफरेंट मेथड प्रोवाइड कर रहे होते हैं या उनके लिए उनको अवेयर कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली भी बहुत सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। एक काउंसलिंग जो 20 मिनट्स की है वो 3 घंटे तक भी चली जाती है उनके सवाल जवाब के देते हुए। रमज़ान में स्पेशली जो प्रॉब्लम हमें सामने नज़र आता है कि ज़्यादा औरतें सोचती हैं रमज़ान का महीना है, हमारी जो है वो हस्बैंड से इतनी मुलाकात नहीं होती होगी, हम इतने ही जो है वो इंटीमेट नहीं होते हैं, तो जो भी वो मेथड्स यूज़ कर रही होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो वो पिल्स का मेथड यूज़ कर रही होती है, वो बिल्कुल ही स्टॉप कर देती हैं कि अननेसेसरी मेडिकेशन हम क्यों खाएं। हालांकि अवेयरनेस में ये भी आ जाता है कि आपकी जो पिल्स मेथड है वो इवन आप महीने में एक दफ़ा भी इंटरकोर्स करोगे कैन गेट प्रेगनेंट विद दैट, और वो इस चीज़ को नहीं समझती हैं। रमज़ान के हवाले से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है कि वो सारे मेथड्स अपने अवॉइड कर देते हैं बिकॉज दे थिंक के लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स सो वी डोंट नीड टू यूज़। और इसी दौरान ही हमने अपनी क्लिनिक में देखा है कि इसी दौरान ही अनवांटेड प्रेगनेंसी ज़्यादा हो जाती हैं, लेटर ऑन फिर वो उसको टर्मिनेट करवाने के लिए आ जाती हैं। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग ड्यूरिंग रमज़ान। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर माला आपके रिव्यूज़ के लिए। डॉक्टर फरा, क्या आप इस बारे में कोई रोशनी डालना चाहेंगे कि इस वक्त हेल्थ केयर प्रैक्टिस जो कि पाकिस्तान में हो रही है खानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से, उसमें और जो आजकल रमज़ान की जैसे इन्होंने मसले बताए कि खवातीन पिल्स सही से ले पाती हैं या टाइम से नहीं ले पाती, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो इसमें काउंसलिंग है। इस मिथ को ख़त्म करने के लिए हमें अपने पेशेंट्स को ये बात बतानी चाहिए वक्त पे कि इस तरह पिल्स को ना छोड़ें या कॉन्ट्रसेप्शंस और चीज़ें जो हैं उनको भी ना छोड़ें, ये सोच के कि जी हम तो हस्बैंड से मिल ही नहीं रहे, हम तो जो कोर्स कर ही नहीं रहे, तो हमें क्या ज़रूरत है। नहीं, जब इस चीज़ की फैसिलिटी है तो वाई शुड नॉट,
तो अल्लाह ने इसकी इजाज़त भी दी है और कोई ममानियत नहीं है कि आप जो कोर्स ना करें, आप अफ्तारी के पास से ही तक अल्लाह ने खुद इजाज़त दी है। बल्कि मैं कल ही कुरान पढ़ रही थी तो उसमें ये बाकायदा मैंने पढ़ा है। तो अब इन सब बातों की वजह से कॉन्ट्रसेप्शन की अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, लोगों की इस गलत कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। ज़्यादा काउंसलिंग ही मैटर करती है। सही, तो काउंसलिंग के साथ साथ हमें इस वक्त रमज़ान में उनको ये बताना ज़रूरी है कि आपने अपनी हार्मोनल पिल्स को छोड़ना नहीं है और रेगुलर तरीके से लेना है, चाहे इसमें ड्यूरेशन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो इसके अलावा अगर डॉक्टर माला आप हमें ये बताना चाहें कि कोई ऐसा कल्चरल या रिलीजियस बिलीफ जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि नहीं यार रमज़ान में तो ख़ानदानी मनसूबंदी को ना हमें इतना सोचना नहीं चाहिए, या कभी अगर हम पहले बात करें तो मैं और आप जब हम तीनों मिले थे तो हम सब ये आपस में डिस्कस करते ख़ानदानी मनसूबंदी और रमज़ान क्या लिंक बनता है, तो आपके ख्याल से कुछ ऐसा है जो कि हम आम लोगों तक पहुँचा सकें इसके ऊपर? देखिए कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ वैसे भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जब मैं IUPD के लिए होती हूँ तो मैं मेंटली रेडी होती हूँ, पीछे देखती हूँ कि मेरी OPD की लंबी लाइन नहीं है, तभी मैं स्टार्ट करती हूँ पूरा टाइम देके कि मुझे पता है कि मैं इनसे रिलेटेड हज़ार सवालों के जवाब दूँगी। सही है। बहुत ही ज़्यादा पेशेंट अगर किसी को रखी हुई होगी तो वो बोलेंगे कि अभी 2-3 महीने हैं, मेरे हस्बैंड भी जो है वो बाहर जा रहे हैं और रमज़ान है, रमज़ान में अगर आए हैं बाहर से आए हैं तो अगर IUPD है तो रिमूव कर दो, पिल्स हैं तो स्टॉप कर दो, हम इसी भी लेंगे, अगर अल्लाह ना करे कुछ हुआ तो ऊपर से हम इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन पिल लेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखी जाए कि इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव पिल इज नॉट 100% इफेक्टिव, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा उसकी टाइम ड्यूरेशन है, यू हैव टू टेक विद इन 48 आवर्स, और अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन में नहीं ले रहे हो फिर तो चांस है प्रेगनेंसी का। और अगर आप ओवुलेशन डे के दौरान फॉर एग्जाम्पल उसी दौरान ली है और अगर आप 48 आवर्स के अंदर भी ले रहे हो लेकिन फर्टिलाइजेशन हो चुकी है फिर भी वो इफेक्टिव नहीं होगी तो और कितनी दफ़ा लोगे? 1 महीने में ECP आप कितनी दफ़ा ले सकते हैं? तो यू हैव टू कंटिन्यू विथ वट एवर मेथड यू आर यूजिंग, या फिर अगर क्वाइल भी डली हुई है तो आप क्वाइल नहीं रिमूव करवाएंगे वो उस एक रमज़ान के महीने में। बट अदरवाइज अगर मैं जनरली भी सोचूं तो लोगों के लिए कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑप्ट करना बहुत मुश्किल है अगर वो अपना रिलीजियस बिलीफ सामने रखते हैं। क्वाइल के लिए तो ज़्यादातर औरतों का ये ख्याल होता है कि ये भी एक किस्म का हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर रहे हैं, मिसकैरेज कर रहे हैं जो हराम है। वो समझती हैं कि क्वाइल तो रखी है बच्चा तो ट्यूब में हो जाता है ना, सिर्फ इम्प्लांटेशन नहीं होती यूट्रस में, बच्चा हो क्या यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं, यानी कि हमने उसको अंदर क्वाइल के जरिए टर्मिनेट कर दिया है। तो ये मिथ को भी हमें ख़त्म करना होता है, इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्वाइल का हमें क्लियर बताना होता है। उसके बाद आ जाता है कि अगर क्वाइल रखी हुई हो अल्लाह ना करे कि अगर मेरी मौत वाकया हो जाए और मुझे कब्र में डाला जाए तो वो क्वाइल तो मेरे अंदर ही रहेगी, तो मेरी जो वो आखिरी के रिचुअल्स हैं वो भी पूरे नहीं हो जाएंगे। तो बहुत सारे ये तो एग्जांपल है, इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हमारे सामने आते हैं ड्यूरिंग रमज़ान, इवन चाहे रमज़ान नहीं भी जनरली भी कॉन्ट्रसेप्शन एक बहुत स्पेशली हमारे मुल्क में इस्लामिक कंट्री में काफ़ी मिथ से भरा हुआ एक टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। सही है, थैंक यू डॉक्टर माला। डॉक्टर फर आपके ख्याल में इसके ऊपर क्या आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगी कि आपके प्रैक्टिस में इस खानदानी मनसूबाबंदी से रिलेटेड क्या ज़्यादा मिथ और कॉन्सेप्शंस कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ के साथ आते हैं? ज़्यादातर जैसे डॉक्टर माला ने बताया कि IUCD इंसर्शन हुई हुई है और अदाना करें मेरी मौत हो जाती है, प्लस हार्मोनल जो चेंजेस आती हैं IUCD के रखने से और फिर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो वो पड़ोसन से सुनी कॉम्प्लिकेशन अपने पे भी अप्लाई कर लेता है पेशेंट और कि उसको तो ये हो गया था फलाने को ये हो गया था, फिर उसकी काउंसलिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है और हल उसी वक्त निकलता है जब आप उनको ये समझा सकें कि हर बॉडी इंडिविजुअली रिएक्ट करती है अपने हिसाब से, तो यू शुड टेक चांस
आपको चांस लेना चाहिए. अगर कोई प्रॉब्लम होती है एकदम से तो कोई चीज़ इतनी जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होती बॉडी से, तो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि हर ये फैमिली प्लानिंग के जो भी प्रोसीजर्स हैं सब की कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं और हर इंडिविजुअल बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है. तो उनको ये समझाना पड़ता है कि भाई आप पहले ट्राई करें और उन साइड इफेक्ट्स की भी मेडिकेशन तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है. तो पहले आप ट्राई करें, अगर फिर भी आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे तो बेशक चेंज करें दूसरा. तो उसमें टाइम लगता है. डॉक्टर माला ने बिल्कुल सही कहा कि एक पेशेंट को 20 मिनट से 3 घंटे कन्वेंस कोई भी हाँ टाइम लग सकता है उनको बताने में. और ये बहुत ज़्यादा मिथ है फैमिली प्लानिंग की प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में कि जी ये इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा ये इस्तेमाल, क्योंकि वो सब सुनी सुनाई अपने मोहल्ले से पड़ोसन से और किसी और के एक्सपीरियंस से तो वो अपने ऊपर अप्लाई करें. सही. तो डॉक्टर फरहान ने जैसे डिस्कस किया कि हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम भी हो जाती है समटाइम्स, तो क्या आपको लगता है कि फास्टिंग और हार्मोनल डिसबैलेंस का कोई लिंक है? डॉक्टर माला अगर आप बता सके पहले. बिल्कुल है. एक्चुअली आजकल जो हमने देखा है ना हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए हम ओसीपीज यूज़ कर रहे हैं, हम वही प्रोजेस्ट्रॉन की जो पिल्स हैं वही यूज़ कर रहे हैं. स्पेशली अगर आप पूछें तो फास्टिंग इज़ रियली वेरी हेल्दी. फास्टिंग इतनी हेल्दी है कि आपके हार्मोन को बैलेंस करने में उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है. फास्टिंग से ऐसा नहीं है कि आप वेट लॉस कर रहे हो, चाहे थिन लीन पेशेंट हो लेकिन वो पीसीओ से हो. स्पेशली ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट के हार्मोनल इम्बैलेंस के वो पीसीओ से होते हैं. पीसीओ के पेशेंट्स काफ़ी थिन लीन भी होते हैं, उनमें हार्मोन इम्बैलेंस होता है. अगर वो फास्टिंग और अपने लाइफ स्टाइल में वो सारी चीज़ें जो ज़्यादा ऑयली हैं और उसके सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है और लेकिन वो पहले से सारा दिन खा पी रही हैं, तो अब इस ड्यूरिंग मैंने रमज़ान देखा है कि काफ़ी पेशेंट्स खुद को बहुत हेल्दी समझते हैं. अगर उनके हार्मोनल प्रोफाइल कराओ तो वो बेहतर होना शुरू हो जाए. जो पीसीओस थी अगर वो एक अच्छे तरीके से फास्टिंग कर रही हैं और इवन इफ्तार के दौरान भी वो एक बैलेंस डाइट अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं तो मैंने देखा है कि उनके जो हार्मोन है वो बेहतर भी हो रहे हैं, पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं और ज़्यादातर उनके जो फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं उसी टाइम. फॉर एग्जांपल हम कभी भी अगर पीसीओएस को ट्रीट करते हैं ना हमारा पहला ही प्रिस्क्रिप्शन में होता है वेट रिडक्शन. ओके. बाय एनी मेथड आप कोई भी डाइट फॉलो करो, आप जिम जाओ, आप एक्टिव हो जाओ. और हम उनको सिर्फ उनको मोटिवेट करने के लिए ये बोलते हैं कि अगर आपने 4-5 केजीज भी लूज कर दिया ना मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको मेडिसिन दे के कुछ ना कुछ कर लूँगी. इतना हम उनको मोटिवेट करते हैं. तो रमज़ान में मैंने देखा है कि वो औरतें 5-6 केजी लूज़ करती हैं. लूज़ करने से तो ये होता है कि स्ट्रेस इज आल्सो फैक्टर बिहाइंड ऑल दिस, तो उनका स्ट्रेस भी कम हो जाता है. फास्टिंग इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ, हर लिहाज से बहुत अच्छी है एक औरत के लिए. तो फास्टिंग तो एक महीना आ रहा है ना, बट आई वुड से कि ये जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उनका एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए जिसमें उनकी फास्टिंग भी होनी चाहिए, हेल्दी बैलेंस डाइट भी होनी चाहिए, उनके रूटीन में कोई एक्टिविटी भी होनी चाहिए हर लड़की के, क्योंकि हम आजकल जो फेस कर रहे हैं एवरी ऑर्गेनिक पेशेंट इज पीसीओ. हर ऑर्गेनिक पेशेंट अगर एक लाइन में ऑर्गेनिक भी नहीं आए तो 10 के 10 भी पीसीओज आ जाते हैं. बहुत ज़्यादा पीसीओज कॉमन है और यकीन करें इतना डिसअपॉइंटिंग टॉपिक है कि पेशेंट आता है सालों से चक्कर लगा रहा है और हम उसको कुछ नहीं दे रहे हैं. वही हर महीने पीरियड्स रेगुलर करने के लिए मेडिसिन लेते रहे, कुछ महीने सही हो गए फिर आती हैं फिर रेगुलर करने के लिए. तो एक चीज़ जो उनको बहुत फ़ायदा दे सकती है विच इज़ फास्टिंग इन गुड लाइफ स्टाइल हेल्दी लाइफ स्टाइल. तो आई वुड से कि एक महीना तो रमज़ान का आ रहा है, इसमें प्रैक्टिस करें देखें और उसके बाद अपनी लाइफ में भी ये चेंजेस लाएँ. डिफरेंट ओकेजन के ऊपर अदर देन रमजान भी हमें अपने हार्मोनल बैलेंस के लिए फास्टिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए. बात मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें कि जहाँ हार्मोन्स का जिक्र आया था एक पर्टिकुलर हार्मोन का जिक्र करूँगी, इंसुलिन लेवल. जब हम फास्टिंग में होते हैं तो हमारे इंसुलिन लेवल बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, जो कि आमतौर पर जैसे
डॉक्टर साहब ने बताया कि बैठ बैठ के खाती रहती हैं, वेट गेन हो रहा होता है, ऐसे पेशेंट में इंसुलिन लेवल बहुत ख़राब होते हैं और फिर उनकी ओवुलेशन नहीं हो पाती। अब जब वो फास्टिंग की हालत में आते हैं तो वो बेहतर होना शुरू होता है और उनकी अच्छी ओवुलेशन शुरू हो जाती है और वो जल्दी कंसीव कर लेते हैं। तो हैरान हो जाते हैं जी रमज़ान के बाद के, जी हमने तो प्लान नहीं किया था और ये कैसे हो गया। तो मैं इस हवाले से ज़रूर कहूँगी कि फैमिली प्लानिंग प्रोडक्ट्स को रमज़ान में तो ख़ास तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। सही, थैंक यू सो मच मैम। आज हम बेसिकली गैदर भी इसीलिए हुए थे कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम सब ने लिंक किया हुआ है कि यार खानदानी मनसूबंदी रमज़ान में नहीं, कोई हराम काम नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना, इन सारी चीज़ों को हम ठीक कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हमारे कुछ डिफरेंट रिलीजियस आप कह लेंगे कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ कल्चरल बिलीव्स होते हैं, बट उसका माँ और बच्चे की सेहत पर कोई असरअंदाज नहीं होता, ना ही मुनफी और ना ही आप कहेंगे गलत अंदाज में। एक बस आखिरी आप लोगों से सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके ख्याल में इस वक्त खानदानी मनसूबाबंदी के लिए उठाए जाने वाले इकदाम में पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चीज़ बेहतर की जा सकती है तो हम एक फैमिली प्लानिंग को प्रॉपर वे में बच्चे और माँ की सेहत के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। डॉक्टर माला, अगर आप कुछ कहना चाहें खानदानी मनसूबाबंदी पाकिस्तान और बच्चे और माँ की सेहत इसको अगर हम लिंक करना चाहें। देखिए खानदानी मनसूबाबंदी तो बहुत एक इसेंशियल नीड है हमारे पाकिस्तान में स्पेशली। जो हम फर्स्ट लेवल से काम कर सकते हैं वो यही कि एक पेशेंट जब आपके पास प्रेगनेंसी में आ रही है, एक गायनेकोलॉजिस्ट ज़्यादा कौन से मरीजों को देखते हैं, ऑब्वियसली एंटीनेटल पेशेंट को जो उसके पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ रही है, तो पहला काम ये करना चाहिए कि इन 9 महीनों की विजिट में जब भी आप एक कंसल्टेशन कर रहे हैं सिर्फ रिमाइंडर देते जाएं कि आपका इसके बाद क्या प्लान है, कितनी फैमिली प्लानिंग करनी है, आपने कोई मेथड सोचा है। आप हस्बैंड के सामने, आप कंसल्टेशन हस्बैंड के साथ में, अगर उनको अपने घर से कोई ऑब्लिगेशन है, सास है माँ है, तो आप एक कंसल्टेशन उनके साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर उनके जहन में भी इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो इट्स योर जॉब टू क्लियर दैट, आप उन सवालों के भी जवाब दे सकती हैं। तो मैं हमेशा हमारे हर एंटीनेटल पेशेंट की अगर पहली विजिट पे बोला, फिर 2-3 विजिट के बाद फिर उसको रिमाइंडर दूंगी कि आपने सोचा है कि इस प्रेगनेंसी के बाद क्या होगा, जब लेबर पेन और डिलीवरी का काउंसलिंग कर रही हूँ उसके बाद भी पूछूंगी कि आपने सोचा है कि आप अब क्या फैमिली प्लानिंग मेथड ऑप्ट करेंगी, और ऐसा नहीं कि आप क्या ऑप्ट करेंगे, हर विजिट पे कोई एक विजिट ऐसी डिटेल्ड विजिट होती है जो हस्बैंड के साथ होती है जिसमें सारे मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग उसको डिस्कस किए अकॉर्डिंग टू हर जनरल हेल्थ, जो भी उसकी जनरल हेल्थ है उससे रिलेटेड उसको जो भी मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग है सारी डिस्कस की होती है। फिर हर विजिट पे उससे रिमाइंडर लेती हूँ, आपने डिस्कस किया, अपनी फैमिली से पूछा, क्योंकि कुछ औरतें जो है वो अपना फीडबैक बाकी लोगों से लेना चाहती हैं कि ये मेथड आपने चूज़ किया तो इससे आपको क्या हुआ, वो चूज़ किया तो उससे आपको क्या हुआ। सो आई जस्ट गिव देम एम्पल टाइम, इतना टाइम देती हूँ कि हाँ आप सोच के समझ के फिर मेरे पास आए। जो दूसरी लेवल है वो ये कि हर हॉस्पिटल में एटलीस्ट कोई कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास पोस्टमार्टम विजिट पे आई है और कहती है डॉक्टर मुझे ये तरीका सही लग रहा है, तो मैं उसको घर ना जाने दूँ, उसी टाइम अवेलेबल हो जो उसको वो मेथड क्विक मेथड अप्लाई कर दे। थर्ड थिंग अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस तो फिर कम्युनिटी लेवल पे हो जाती है ना, तो वो तो हमारे गवर्नमेंट कुछ सेटअप्स बने हुए हैं फैमिली प्लानिंग के। अब ये है कि पेशेंट उनको एक्सेस नहीं कर रहा है, ठीक है एक्सेस करे वो जाए थोड़ा दूर से जाए, लेकिन नहीं जा रहा तो यानी कि इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट को कुछ और सेटअप्स बढ़ाने चाहिए जगह जगह और, ताकि वो नज़दीक वाले सेटअप पे जल्दी से चली जाए। और अवेयरनेस में सिर्फ वो औरत नहीं आएगी, उसका सारा खानदान, क्योंकि अगर हम एक ऐसे कल्चर में रह रहे तो रह रहे, तो अगर हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा फ़ायदा दें तो उसके सारे खानदान को फिर हमें समझाना पड़ेगा, सारे उनको ऑप्शंस, उनको चॉइसेस, उनकी जो मिथ्स है उनको क्लियर करनी पड़ेगी। सो आई वुड से कि इसी तरीके से हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं अपने इलाकों में इन चीज़ों को। सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर माला। डॉक्टर फरा, आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे कि पाकिस्तान में हम फैमिली प्लानिंग, बच्चा और माँ की सेहत के हवाले से क्या क्या कुछ कर सकते हैं?
डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट करके बात बताई. मेन चीज़ काउंसलिंग है. और जब आप फर्ज करें कि जैसे एक औरत को बार बार कह रहे हैं कि जी क्या प्लान किया तुमने, अब क्या करोगी नेक्स्ट बच्चे के लिए क्या प्लान, तो बेहतर होता है कि हस्बैंड को लाजमी मौजूद हो. इवन जिन घरों में आप फील करते हो, जो डॉक्टर एक्चुअली डॉक्टर पेशेंट के साथ एक रिलेशनशिप होता है. और हम मैं स्पेशली वुमेन हेल्थ पे बहुत काम कर रही हूँ, तो मैं पेशेंट को सिर्फ एक मरीज नहीं लेती, मैं पूरा उसको पूरा उसके घर के हालात और सब चीज़ें देखते हुए, तो समटाइम्स मुझे उसकी सास को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है. कुछ जगहों पे देखा गया है कि नंदे बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए और उनके साथ बैठ के और उनके बेनिफिट की बातें बतानी चाहिए. सिर्फ ये नहीं कि माँ और बच्चा हेल्दी होगा, बल्कि इस हाँ एक खानदान पूरा. और सबसे ज़्यादा जो मेरे ख्याल माँ बच्चे से ज़्यादा बाप की हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर बाप ने इतना कमाना है कि उन बच्चों के लिए और अपनी हेल्थ नहीं देखनी या घर के ज़रूरियात पूरे करने में ज़ाया हो जाना है, तो ये सारी बातें हमें बतानी चाहिए कि सिर्फ एक माँ और बच्चा नहीं पूरा घर इन्वॉल्व होता है, स्पेशली माँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. तो फैमिली प्लानिंग मीन्स फैमिली प्लानिंग, नॉट ओनली माँ और बच्चा. थैंक यू सो मच. अच्छा, तो इस हम टॉपिक को कंक्लूड करना चाहें कि रमज़ान खानदानी मनसूबाबंदी और राइट वे ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो क्या मैं इस तरह कह सकती हूँ कि एक खानदानी मनसूबाबंदी के लिए हमें पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, और जिस कल्चर में हम रह रहे हैं उस कल्चर में हमारी मदर इन लॉ, समटाइम्स सिस्टर इन लॉ और हस्बैंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे प्रोसेस में, उस सब को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है. तो रमज़ान के साथ साथ हमें अपनी सेहत, जहाँ पे हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है उसके साथ साथ, सॉरी हार्मोनल बैलेंस ज़्यादा सही से हो रहा है, उसके साथ हमें फैमिली प्लानिंग के मेथड्स को भी अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में रखना चाहिए. तो कोई क्लोजिंग रिमार्क्स जो कि आप देना चाहेंगे, डॉक्टर फराह कुछ कहना चाहेंगे कि आज के वेबिनार के जरिए आप एक आम आवाम को क्या मैसेज देना चाहती हैं उन खवातीन को? मैं आम आवाम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने इर्द गिर्द देखें, अपने माहौल को देखें और अपने जिस्म की हालत को देखें और डिसाइड करें कि उन्होंने कितनी बड़ी फैमिली करी है, और उसके हिसाब से डॉक्टर्स को अप्रोच करें और उनके साथ जाके बात करें, ताकि उनका दिमाग खुले और कपल जाए बात करें और डिसाइड करें कि किस तरह करना है. बाकी तो जो अल्लाह चारा होता है उसके आगे कोई नहीं, लेकिन कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है. एक हेल्दी फैमिली होना एक हेल्दी पाकिस्तान होना. थैंक यू सो मच. डॉक्टर माला, आप कुछ अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे आज हमारे इस टॉपिक के ऊपर? मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि जिसको जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी मिथ्स हैं, प्लीज डिस्कस करें. एक नहीं, चार पांच बल्कि छः सात मेथड्स हैं फैमिली प्लानिंग के, अगर दवाइयाँ नहीं तो दवाइयों के बगैर, चाहे वो कॉन्डोम्स हो, चाहे वो पुल आउट मेथड हो, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन के लिए आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, अपने मिथ्स क्लियर करें. फैमिली प्लानिंग आजकल की बहुत बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट नीड है हर औरत की. अगर औरत 10-12 बच्चे, पहले तो दादियाँ होती थी वो तो कहती थी कि 10-12 बच्चे, क्रिकेट टीम भी हो गई तो उसका काम था. अब आजकल की औरत बाहर निकल रही है, काम कर रही है, आजकल ऐसी सेहत नहीं है, या फिर वो बच्चों की स्कूलिंग से लेके यानी कि करंट आप स्टेट ऑफ अफेयर्स देखें, तो जो फैमिली प्लानिंग है वो ऐसा समझिए कि इट्स वन ऑफ द बेसिक नीड्स. तो प्लीज़ जो भी रिलेटेड है आप अपने डॉक्टर को अप्रोच करें, वो आपको गाइड भी कर सकती है, वो आपको प्रोवाइड भी कर सकती है. ठीक है, तो यही मेरा मैसेज है. थैंक यू सो मच. आज हम पे अपने इस वेबिनार को ख़त्म करेंगे यहाँ पे. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, ख़ासतौर पे हमारे दो स्पेशल गेस्ट डॉक्टर माला एंड डॉक्टर फराह. थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने बहुत अच्छी इंसाइट्स हमें प्रोवाइड की. आज हम इस टॉपिक को अपने कंक्लूड करते हुए ये डिस्कस करेंगे कि खानदानी मनसूबाबंदी, जहाँ पर रमज़ान के बाबरकत महीने में हमारी सेहत और हमारी फैमिली और हमारा खानदान सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, वैसे ही हमें अपने डॉक्टर के पास अपने छोटे छोटे खानदानी मनसूबाबंदी के मसलों के लिए ज़रूर जाना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव लिसनिंग. अगर आप सब लोगों की ज़िंदगी में कोई भी फैमिली से रिलेटेड कोई भी मसला हो, जिसमें मर्द हो, औरत हो या बच्चा हो, और उसके मुतालिक आप हमसे जानना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट वेबिनार, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अनटिल वी मीट नेक्स्ट, थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे इन्फॉर्म्ड.